अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे एक और ब्लॉग में आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं। अच्छा जी, आज का जो ब्लॉग है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि मेरा टारगेट है 100,000 सब्सक्राइबर्स अचीव करना। तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो उससे अचीव करने में आप मेरी हेल्प करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा जी, आज बात करते हैं जी, हमारा जो नया टॉपिक है उस पर, वो ये है कि आजकल ना मेरे पास काफ़ी सारे ही कुछ लोग, कुछ लड़के एटलीस्ट रीच आउट कर रहे हैं मुझे, और उसमें जो मेन चीज़ वो पूछते हैं जी कि हम ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो मैं एक चीज़ ना हमेशा उन्हें कहता हूँ कि देखो यार, ओवरनाइट सक्सेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओवरनाइट सक्सेस के पीछे बहुत सारी दुनिया लगी हुई है, ओवरनाइट सक्सेस कुछ भी नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, आजकल एक ये हर जगह पे हर किसी ने अपना मंजन जो है ना वो बेच रहे हैं, और वो मंजन ये है जी कि आप इधर इतने इन्वेस्ट करें, क्रिप्टो में इतने करें, इधर इतने करें, ये कोर्स हमसे ख़रीद लें, इस कोर्स से इतने फ़ायदे होंगे। सब बकवास है, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन फ्री में मिल रही हैं, और अगर कोई नहीं सिखा रहा तो भाई मुझे रीच आउट करना, मैं फ्री में सिखाऊंगा आपको। लेकिन मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको तरीके जहाँ पे आप उलझ रहे हैं मैं उसमें आपको बता सकता हूँ कैसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। बाकी हाथ पकड़ के कोई भी चलाने वाला नहीं है, चाहे वो 5,000 वाला कोर्स ख़रीद लें आप या 5 लाख वाला ख़रीद लें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आपने वही चीज़ करनी है। अब मैं आपको ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का आया मेरे पास, उसे कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं थी, उसके माँ बाप ने उसे जो है क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग वगैरह वेबसाइट बनाने के लिए और इसमें जो है CS करवाने के लिए, कंप्यूटर साइंसेस में, वो पैसे पिछले 4-5 साल से लगा रहे हैं। वो फेल होता है, वो फिर उससे कहते हैं कि तुम पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, और वो इसी चक्कर में जो है, उससे उसे पता है वो पास नहीं होना, लेकिन वो अपने घर वालों को कह कह के तंग आ चुका है, लेकिन उसके घर वाले वो मानने को तैयार नहीं हैं जो वो चाहता है, तो उससे जो है वो फोर्स कर करके उसे ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। देखें, जिसने पढ़ना है उसे कुछ ना भी होगा तो वो टॉपर होगा, और जिसने नहीं पढ़ना उसे जो मर्ज़ी कर लें, आप जितना मर्ज़ी पैसा लगा लें, जहाँ मर्ज़ी जहाँ सी मर्ज़ी यूनिवर्सिटी पर ले जाएं, आपके पैसे ज़ाया होंगे, आपके बच्चे का फ्यूचर ज़ाया हो रहा है, ठीक है। फ्यूचर इस तरह से ज़ाया हो रहा है कि आप उसे फोर्स किए जा रहे हैं, उसका नहीं है दिल किसी चीज़ में पढ़ने का, उसे कोई स्किल सिखा लें, ठीक है। मैं इधर इस डिबेट में ही जाऊँगा कि यार जो है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, लेकिन देखें, एट द एंड ऑफ द डे जो मेन चीज़ हमारी सोसाइटी में मैटर करती है वो है कि आप घर में पैसे ला रहे हैं और आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं फाइनेंशियली, क्योंकि ये मेन एक मकसद है ना, और तो कोई मकसद है नहीं इसके अलावा। अब फाइनेंशियली सपोर्ट करने का ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री है तभी आप कर सकते हैं। हम बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पे आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर एग्जांपल अगर कोई कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग बहुत ही ईजी है। आजकल यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, ChatGPT पे आपको हर चीज़, जो प्रोफेसर्स हैं, जो हर मैं अब मेरे कुछ लम्स के प्रोफेसर्स हैं जानने वाले, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी मुझे बताते हैं, और उसके अलावा जो कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, वो भी हर चीज़ बता रहे हैं कि जी अब तो टीचर्स खुद कह रहे हैं कि ChatGPT कर लो हर चीज़। तो मुझे ये बताएं कि घंटा समय जाना है उससे कुछ, ठीक है, तो पैसे ज़ाया करने अपने बंद करें और कोई स्किल सिखाएं। कंटेंट राइटिंग भी छोड़ दें सबसे ज़्यादा, डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, वीडियो एडिटिंग चल रही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग चल रही है, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि गधों की तरह एक ही रेस में ना लग जाएं, ठीक है। कोई किसी ने अगर कह दिया कि चलो ये मतलब आपने अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो आप वही करना चाहें, खुद को ज़रा एक्सप्लोर करें आप खुद करना क्या चाहते हैं। तो वो जो प्रोग्रामिंग वाला लड़का था उसका जो है ना पैशन है था ये इसका एनिमेशन का, ठीक है, और उसके घर वाले उसे जो है कंप्यूटर साइंसेस में करवा रहे हैं प्रोग्रामिंग, और उसका कोई दिल नहीं है दूर दूर तक, और अभी तक वो प्रोग्रामिंग में लगा हुआ है। उसके चार जो है चार दफ़ा वो फेल जो हो चुका है, पांचवी ट्राई अब करने जा रहा है, उसके फाइनल सर पे हैं, और उसे पता है कि वो दोबारा फेल होने वाला है। उसके घर वालों को कॉल करके मैं समझा चुका हूँ, बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने का। कोई बात नहीं, नौकरी लग जाए, नौकरी लग भी गया तो क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि पढ़ ले थोड़ा,
तो मुझे खैर इस चीज़ की समझ नहीं आती कि पढ़ाई पे क्यों हम पागलों में, एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, इधर मास्टर्स करके ग्रेजुएशन करके जो भी लोग बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, मैं तो अपनी लाइफ में इतने लोग देख चुका हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के चीज़ें सिखा रहे हैं, पता नहीं क्या। एक तो उनकी फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में, ठीक है, फ्लुएंसी ना भी हो चले, इंग्लिश भी अंग्रेज़ी भी छोड़ देते हैं हम, ठीक है। वैसे अंग्रेज़ी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनली जब आप काम कर रहे हैं मोस्टली, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इतना कोई काम है नहीं, ठीक है, जो है वो आपके सामने है, तो इंटरनेशनली जब कर रहे होते हैं तो उनमें वो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है यार कि वो उनसे बात कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे अब बहुत देखने को मिलती है, और फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना पड़ता है। तो आप देखें, एक सीधी सी बात है, कैनवा है, कैनवा पकड़ें, ठीक है, कैनवा फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ जी, कुछ उसके मॉड्यूल्स हैं जो आपको उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी, लेकिन आप ये करें, कैनवा पकड़ें, कैनवा पकड़ के उसमें जो है आप लोग ये करते रहें, क्या कहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, वीडियो एडिटिंग सीखें, ठीक है, ऐसी फिल्मोरा है, फिल्मोरा की वीडियो एडिटिंग सीखें। इतनी इतनी सीधी चीज़ें हैं, लोगों को समझ नहीं आती। मैंने खुद ये सारी चीज़ें जो है इनके टूल एक्सप्लोर करके सारी ऑनलाइन ट्यूटोरियल से सीखी हुई हैं ज़िंदगी में, और लोग मुझसे कह रहे होते हैं कि यही कि हमें समझ नहीं आ रहा ये वो क्या है, सिर्फ कुछ लेयर्स तो ऐड करनी है उसमें, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, और कुछ इंट्रोज आउट्रोज वगैरह बनाने होते हैं ये वो, ठीक है, बहुत बेसिक स्टफ है, लेकिन अगर वो भी नहीं समझ आ रहा तो कहीं ना कहीं पे गलत जा रहे हैं। तो खुद को पहले एक्सप्लोर करें, अगर आपका खुद का दिल है इस चीज़ में तो फिर करें, नहीं तो सीधी सी बात है भाई, डाटा एंट्रीज की जॉब है दुनिया में बहुत जगह पे, डाटा एंट्रीज की नौकरी कर लें, ठीक है, अलग अलग ऑफिसेस में मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर डेटा एंट्री नहीं करना चाह रहे तो किसी तरीके का यार कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। कंटेंट बनाना क्या है, ठीक है, बस ये है कि कैमरा फेस नहीं करना आता, कैमरा फेस नहीं कर सकते, किस चीज़ का डर है भाई, कैमरा आपको खा तो नहीं जाएगा, ठीक है, या लोग आपको खा तो नहीं जाएंगे, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास पैसे ही नहीं है और आप कुछ कर नहीं पा रहे ज़िंदगी में, तो किसी ने आके आपको तो घर में नहीं देना ना, तो खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो खुद करने के लिए खुद हिम्मत पालें, और घर वाले से एक दफ़ा बात करके देखें कि यार चलें आप लोग कहते भी हैं पढ़ने का, ठीक है, मैं ट्राई कर लूँगा एक दफ़ा, मुझे अपने दिल का जो मैं चाहता हूँ ना, मुझे साथ वो भी ट्राई कर लेने दें, और आप करें ये चीज़। और आपको जॉब ना मिले तो मेरा नाम बदल लीजिएगा, अब ये नहीं हो सकता कि बैठे बैठे आप कहें कि बैठे बैठे आपको हर चीज़ ज़िंदगी में मिल जाए, ये कहीं पे नहीं होने वाला, कोई भी आके ना आपको किसी चीज़ में हेल्प आउट नहीं करने वाला। तो खुद में इतना कॉन्फिडेंस लेवल लाएं कि घर वालों से बात कर सकें, और घर वालों से बात करने के बावजूद कुछ खुद करने की कोशिश करें ज़िंदगी में, नहीं तो अगर ऐसे आप बैठे रहे तो बैठे रहेंगे पूरी ज़िंदगी और कुछ नहीं होने वाला। तो मैं फिर कहता हूँ, ठीक है, जो हमारे जितने भी नौजवान हैं, ठीक है, कि प्लीज़ ये इतने पैसे ज़ाया करने बंद करें। हाँ, एजुकेशन अच्छी है, एक हद तक अच्छी है, एक हद के बाद जब आप खुद नहीं पढ़ रहे और आपको इस बात का पता है कि आप नहीं पढ़ रहे और आपसे ये चीज़ें नहीं होनी, जो मर्ज़ी हो जाए, और आप तीन तीन चार चार दफ़ा फेल हो चुके हैं, तो घर वालों को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को फोर्स मत करें, और जो पढ़ रहे हैं ये, मैं उन्हें कहूँगा कि भाई घर वालों को पैसा ज़ाया मत करो, ठीक है, कोई हिम्मत करके कोई काम इस तरह का करो जिसमें थोड़े बहुत पैसे कमा के उनके एटलीस्ट हाथ पे रख के आप उन्हें ये कन्विंस कर सको कि आप आगे अपनी मर्ज़ी का कुछ करना चाहते हो, ताकि आपको उनकी सपोर्ट मिले, ठीक है, और उन्हें कुछ प्रूव करके दो ज़िंदगी में। ज़िंदगी बहुत छोटी है, कोई आपको मदद नहीं करेगा, कंपटीशन हमारे मुल्क में वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और मोनोपोली हर जगह पे बनी हुई है, हर बंदा आपकी टांग खींचेगा। तो ये था खैर हमारा आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद आया हो या ना भी पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि हम कौन सी चीज़ें कवर करनी चाहिए, अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में आप रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है 100,000 सब्सक्राइबर्स, तो उस तक पहुंचने के लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन मिल सकें और आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।